प्रणाम, मैं सत्य, आप देख रहे हैं सत्य भैरव चैनल। वेलकम टू सत्य भैरव चैनल। आज की खास खबर हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मनोरंजन की दुनिया में हमारे बिग बी जो अमिताभ बच्चन साहब, जो काफ़ी एक सीनियर एक्टर पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जो 75 ईयर्स के हो चुके हैं और अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल में काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उन्होंने एक छोटा सा मैसेज शेयर किया अपने फैंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। उन्होंने ये शेयर किया है, हेल्थ सर्जरी इस तरह करके उन्होंने छोटा सा एक मैसेज शेयर किया है, जिसके चलते काफ़ी सोचने लायक बात यह है कि उन्हें अभी एक सर्जरी के द्वारा उन्हें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उन्होंने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है, पर उन्होंने सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज छोड़ दिया है अपने फैंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, जिसके चलते काफ़ी एकदम सोचने लायक है, काफ़ी एकदम उनके लिए हमें दुआएँ मांगने लायक है, क्योंकि हम जानते नहीं पूरी तरह क्या इन्फॉर्मेशन, पर उन्होंने इस तरह छोटे से इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं अपने बारे में, जिसके चलते उनके फैंस और यहाँ तक कि मैं भी उनके लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि उनके जैसे एक सीनियर एक्टर और इतने एक्सपीरियंस एक्टर और इस उम्र में भी इस तरह काम करते हैं, ये तो बहुत सोचने लायक बात है। और ऊपर वाले का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके लिए मैं भी दुआएं करता हूँ और आप भी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि एक सीनियर एक्टर और इस तरह इस उम्र में भी इतना मेहनत करते हैं, क्या पता इस उम्र में मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, वो तो मैं भी नहीं जानता, पर इस उम्र में वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, भले वो पैसे के लिए कर रहे हैं या नाम और शोहरत के लिए कर रहे हैं तो मैं नहीं जानता, पर इस उम्र में आजकल के ज़माने में कोई काम करता नहीं है, बस अपने पोते पोतियों के साथ खुश रहना चाहता है, बाकी बचा कुचा जो ज़िंदगी है और जितने दिन जीना चाहते हैं जीने वाले दुनिया में आराम से बिताना चाहते हैं, पर इस उम्र में वो इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वाकई होता है तारीफ़ के लायक है। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक्टर प्रभास, जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी उनके पिक्चर्स तैयार जो रिलीज़ होने के लिए एक के बाद एक, जैसे राधे श्याम और उसके बाद अभी आदि पुरुष, हमकी पिक्चर का शूटिंग चल रहा है, जिसके चलते अभी वो हमेशा अपने सोशल मीडिया हैंडल में अपने फैंस को किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन दे के उन्हें खुश कर देते हैं, कोई ना कोई सरप्राइज दे के। अभी उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया है कि उनका सलार जो पिक्चर जो है रिलीज़ होने वाला है 14 अप्रैल 2022 को। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उन्होंने एक पोस्टर उन्हें शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल में, जिसके चलते उन्होंने अपने फैंस को उन्होंने खुश कर दिया इस तरह मैसेज देते हुए। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यह है कि हमारे एक्ट्रेस जीनत अम्मा, जो सीनियर एक्टर जो 70s और 80s में काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हुआ करते थे, अब उन्होंने पूरे 50 साल कंप्लीट किए पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके चलते उन्होंने उसका एक पार्टी बनाए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए और उन्होंने अपने फैंस को खुश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस और इस तरह रहना और इस तरह एक अपने पुराने फैंस को खुश करना और अपने आने वाले नए पीढ़ियों के लिए भी एक मैसेज देना तो वाकई बहुत अच्छी बात होती है और हमें कुछ सीखने को मिलता है उनसे। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ये है कि हमारे एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो है काफ़ी एकदम फेमस होने लगे हैं एक छोटे से ट्रेलर से, वो है गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उनका 2020 काफ़ी बुरा रहा, सड़क पिक्चर में एक्टिंग करने के बाद उन्हें काफ़ी कुछ नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा, कुछ काफ़ी फैंस जो है उनके खिलाफ हो गए थे, उनके जो फैंस थे, अभी काफ़ी उनके फैंस नए फैंस बनने लगे इस पिक्चर के ट्रेलर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी नहीं, उनके पास अगले के बाद एक के बाद एक पिक्चर तैयार है, एक है ब्रह्मास्त्र जिसमें अब वो शूटिंग करने वाले हैं और उसके बाद जो है RRR जो साउथ इंडियन मूवी है, तेलुगु मूवी, उसमें वो एक्टिंग भी करेंगे और जब हिंदी में इसका रीमेक किया जाए, इसका डबिंग किया जाए, उसमें वो वॉइस ओवर भी करेंगे और साथ में वो गाना भी गाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए उनके लिए ये साल काफ़ी एकदम लकी रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक पिक्चर तैयार है उनके लिए। अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारे जो बिग बॉस 14 में जो विनर थे रुबीना दिलेक, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए कुछ वीडियोस, क्योंकि फ़िलहाल वो एक विनर बन चुके हैं बिग बॉस 14 में, जिसके चलते उन्हें 35 लाख उन्होंने प्राइस जीता है और इसके लिए उनके घर में उनके पूरे परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ उन्होंने पार्टी बनाए, उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए और अपने फैंस को उन्होंने खुश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वाकई काफ़ी अच्छा एक एक्ट्रेस भी है और काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था बिग बॉस 14 में, जिसके चलते उनके फैंस और बढ़ भी गए सोशल मीडिया हैंडल में, जिसके चलते उनके फैंस भी उन्हें दुआएं देने लगे और बधाई भी देने लगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। एक्ट्रेस करीना कपूर खान जो हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिए, जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिए और अपने परिवार के साथ पूरे नए घर में शिफ्ट हुए, जिसके चलते अभी एक उनके करीबी लोगों के द्वारा और करीबी दोस्तों अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें अपने दूसरे बच्चे को दिखाएंगे। दरअसल उन्होंने अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखा था, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते, जिसके चलते अभी उन्होंने तय किया है कि अपने बच्चे को सोशल मीडिया के द्वारा पूरे दुनिया को दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फैंस हैं तो आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कब वो अपने सोशल मीडिया हैंडल में दिखाएंगे अपने बच्चे को पूरी दुनिया को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वाकई अगर आपके फैंस हैं तो आप उनका
भला तो चाहते हैं और दुआएं तो देंगे, तो वो भी उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने फैंस को और लोगों को दिखाए अपने दूसरे बच्चे को। इसके लिए एक नए अंदाज से, नए तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल में दिखाना चाहते हैं अपने फैंस को और लोगों की दुआएं भी लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल सत्य वीर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।